ये कुत्ते का मीट 500 रुपये। और ये लगे हैं भाई बिकने कटने के लिए सब। कौन सा सांप है ये? अच्छा अच्छा, तो कैसे मिलता है ये? इंडियन आर्मी। गाइस तो वेलकम टू गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और हम यहाँ से अब जा रहे हैं नागालैंड। तो नागालैंड कैसे जाना है और क्या क्या सुविधा है यहाँ पे गुवाहाटी से नागालैंड, क्योंकि ज़्यादातर जो सिटी है ना 7 सिस्टर की, वो गुवाहाटी से ही कनेक्ट होती है। कहीं भी आप जाते हो तो गुवाहाटी आना ही पड़ेगा। टिकट वगैरह पता करते हैं कितने का टिकट है, वो भी जाएगी या ट्रेन या नहीं जाएगी। बस फाइनली टिकट हमने ले लिया है दीमापुर के लिए। रात को 11:30 बजे ट्रेन है यहाँ से दीमापुर के लिए। यहाँ से हमारी जो जर्नी है ना 5 घंटे की है। देख रहे हो कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। और उसमें अभी आधे घंटे लेट है। चलो लेट से जाएगी, हमारे लिए सही है, लेकिन बहुत भीड़ है भैया। तो है गाइस, वेलकम टू दीमापुर रेलवे स्टेशन। और सुबह के 5 बज रहे हैं। ट्रेन जर्नी जो रही ना 5 घंटे की, ठीक ठाक रही है, क्योंकि हमारा जो टिकट था वो स्लीपर में था नहीं। जनरल डब्बे में आए हैं, बैठ के जो भी आ रहा था उठा दे रहा था, उठ के नीचे बैठो ऊपर बैठो, लेकिन हाँ सीट पर बैठ के आए हैं। और पहुँच चुके हैं सेफली दीमापुर। और होटल खोज रहे हैं, क्योंकि होटल हमने ऑनलाइन बुक किया नहीं है, इसमें आया है। ऑनलाइन 800 दिखा रहे हैं। और ये अंदर से कुछ होटल का नज़ारे भी है। तो गाइस जैसे कुछ रूम मिला है हमें, और दीमापुर के अंदर अभी हम हैं। और अभी हम दीमापुर का सबसे भयंकर और सबसे डेंजर मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे नॉनवेज से रिलेटेड ना सारे कुछ मिलते हैं। जो भी सोच सकते हो कि ये चीज़ नहीं खाने वाला है, वही वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बहुत ही एडवेंचर होने वाला है। तो चलो फिर आपको ले चलते हैं यहाँ के सुपर मार्केट में। मतलब उस मार्केट का नाम ही है सुपर मार्केट। तो भी आ चुके हैं मार्केट में, ये लगा है सुपर मार्केट। और चलो अंदर चलते हैं। ये सब सामानें तो सब जगह मिल जाती है, लेकिन जिस लिए हम आए हैं वो बस थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद स्टार्ट हो जाने हैं। तो भैया चिकन मार्केट स्टार्ट हो चुका है। अभी तो मुर्गियाँ ही दिखाई दे रही हैं। ओहो, ये दोनों जोड़े हैं बेचारे, मुर्गी मुर्गी मुर्गी, बस मुर्गी। बतो कितने का आता था? 1000 का। कितना होगा ये? 1 किलो, 2 किलो का। ओके, थैंक यू दादा। ये लगे हैं बिकने के लिए, इनका काम होगा आज। कितने का चाहिए? 400 का। 1-2 पीस 400 का। ओके बस भैया। ये भी बिकने के लिए है? हाँ दादा, ये बिकने के लिए है नहीं। और ये क्या है जी? ये सब कीड़े मकोड़े, शायद रेशम वाले हैं सब ये, और रेशम के ही हैं शायद, और पता नहीं क्या बोलते हैं भैया, लेकिन इस यहाँ पे खाते हैं। यहाँ पे इनका क्या होगा? ओहो, ये वाइट चूहे बहुत प्यारे प्यारे हैं यार। ओह माय गॉड, देख के डर लग रहा है मुझे तो। ये भैया मेढक है। और अब ये देखो, ये क्या चीज़ है दादा? ये क्या चीज़ का अंडा है? सीधे अंडा, ये अंडा। अच्छा, इसका अंडा है। कितने का ये? 10 का 1 पीस। 10 टका। अच्छा, ये कैसे दीदी? कितने? 200। और ये 500 किलो। अच्छा दीदी 500, थैंक यू दीदी। ये कुत्ते का मीट 500 रुपये। और ये लगे हैं भाई बिकने कटने के लिए सब। ये इसकी ये कितने का है? ये पूरा क्या बोलते हैं इसे? मंकी राइस। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया ये कैसे? मेढक एक या पूरा? 100 का पूरा है भैया। और ये भैया लोग देसी कुत्ते हैं, कटेंगे सब ये ऑर्गन्स वगैरह सब। यार क्या बताऊँ, सच बताओ तो यार मुझे डर लग रहा है इस मार्केट में। और कर ही कह सकते हैं, ये मार्केट लगा है और ये चौक है एक सामने, पपीता वगैरह सब, मशरूम, मेढक, सब्जी मार्केट। भैया मुझे पता ही नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इतना ही बोल सकते हैं। अब आ गया है सब्जी मार्केट। और ये बीन्स है ना? ये बीन्स है। ये कितने किलो है? ये डब्बा में मशरूम दो। अच्छा डब्बा में, 1 किलो का डब्बा है? आधा किलो का? आधा किलो से जस्ती है। अच्छा। और ये इसका नाम क्या है चावल का? इसको बोलते हैं नागालैंड सीसर। ये नागालैंड का लोकल राइस है। ये क्या दीदी? फूल है ना? फूल है, कौन सा फूल है? जंगल से। अच्छा लग रहा है कि हाँ सब्जी बनता है ना? है कितने का ये? है कितने का है? 30 का। अच्छा ये क्या चीज़ है आप दी? ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ का? कुरू। कुरू क्या होता है? अच्छा उसका चमड़ा। अच्छा अच्छा। तो कैसे मिलता है ये? 1 किलो। कितने का? 250। अच्छा अच्छा चलिए थैंक यू। पता नहीं क्या जी का चमड़ा था शायद, आई डोंट नो। नाड़ी है क्या चीज़ का? पोक का? हाँ हाँ। अच्छा कितने का है? कितने का है? 30 रुपया है एक। अच्छा। और ये रोल? अच्छा आप लोग के लिए। चलिए आते हैं भैया। हाँ तो दादा कितने का ये? टच करें? सांप है? नहीं है इससे बड़ा। कहाँ है? हाँ अच्छा ये बड़ा है। कौन सा सांप है ये? 500 ना? नहीं लेने का। और ये सांप ही है ना? ये कौन सा सांप है नाम पता होगा? खसिया मास। अच्छा 500 रुपये का। और ये तो मछली है। चलिए देखते हैं। थैंक यू दादा। तो गाइस हमने ले लिया यहाँ से ये पकौड़े। और ये देखो यार क्या क्या, मतलब सारे तरह के जो खाने की चीज़ है, मछली वगैरह। 700 रुपये किलो। और इसका नाम क्या है? तो ये चटनी बनेगा कैसे? हमने कहीं बनाया नहीं है। सूखा कढ़ाई में ना? हाँ तो तेल डाल के फ्राई करो, मिर्च फ्राई करो, लहसुन फ्राई करो। अच्छा उसके बाद हो गया। ये बड़ी भयंकर लग रही है, कौन सी है? रीठा मांस। लीठा। हाँ यार क्या क्या देखने को मिल रहा है मुझे। लीठा मांस ये कैसे है? तो गाइस ये था मार्केट जहाँ पे ना देखा आपने सारे चीज़, मतलब अभी तो हमने उतना चीज़ देखा नहीं जैसे अब क्या बताएं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते क्या क्या लोग खाते हैं। लेकिन अभी हमने जो देखा कुत्ते, सांप, ये वो, बेंग, मेढक, तो ये लोग ना यहाँ शौक से ही खाते हैं। कुत्ते का यह मीट जाना, एक कुत्ते का मीट 5000 रुपये। तो हम कहीं ना कहीं कुत्ते को कुछ खिला के आते हैं और यहाँ पर कुत्ते को ही लोग खा जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीज़ें अपने कल्चर का हिस्सा है जो ये लोग फॉलो करते हैं। तो चलो फिर दूसरा मार्केट दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, फिर रूम पे चले। क्योंकि यहाँ 6 बजे के बाद घूमना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब कुछ छीना झपटी ज़्यादा करते हैं जो फालतू होंगे। ऐसे सारे लोग को नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ फालतू होते होंगे, ऐसे फालतू सब जगह होते हैं, वो भी यहाँ होंगे। तो 6 बजे के बाद स्ट्रिक्टली मना है कि घर से नहीं निकलना है। या ब्रो यस यस, क्या नाम? नोमैडिक चंदन। मेरी चंदन, हाँ मैं सब्सक्राइब। ओके अभी हम जा रहे हैं हांगकॉन्ग मार्केट। ज़्यादातर जो मार्केट है ना, मैं आंध्रा वाला, ये भैया आंध्रा से मिले, आंध्रा पर घूमने आए। सिलेक्शन प्रोसेस असम राइफल्स। ओके ज़्यादातर लोग जो दिख रहे हैं ना, सब आर्मी से दिख रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर रैली होती है। यूट्यूब चैनल नाम या चैनल फ्रॉम आंध्र प्रदेश दिल्ली वाइजैक। हेलो इंडियन आर्मी फौजी वाला। When you come, just call her. Okay. YouTube on that. YouTube channel live lo undi. YouTube live. Ah. Friends. Very modern. Manam Indian Army Fauji. Indian Army. Okay. Okay. Bye bro. Bye. Fauji wala. Ah, Fauji wala. हाँ एकदम, अरे इंडियन आर्मी लवर है हम। एकदम डालेंगे। तो चलो अभी हमने चलते हैं आपको हांगकॉन्ग मार्केट। पता है ये है किधर है भैया। गाइस तो ये है रेलवे स्टेशन, जहाँ दीमापुर हम उतरे थे सुबह। और अभी हम घूमा हांगकॉन्ग मार्केट। लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव बात आपको बता दूं, आप नागालैंड आते हो घूमने के लिए ना, तो ये जो अभी जिस हम ब्रिज पे हैं, ये यहाँ का सबसे डेंजर ब्रिज है और यहाँ पे सारे काम होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, इस रोड की तरफ आते हो थोड़ा सा बी केयरफुल। यहाँ पे मोबाइल झपटा झपटी कुछ भी सामान, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए और इन्जॉय करिए। नागालैंड बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो हमारा आज पहला दिन था, कल यहाँ से आगे निकलेंगे कोहिमा की तरफ। लेकिन आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और कल जो हम घूमने वाले हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट जो हर एक बुधवार को लगता है, सुपर मार्केट जिसे बोलते हैं या साप्ताहिक मार्केट बोल लो, वो आपको हम कल घुमाएंगे। तो अब निकल रहे हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि टाइम हो गया है 6 और 6 बजे के बाद यहाँ घूमना थोड़ा सा डेंजर साबित हो सकता है हमारे लिए। तो चलो फिर निकलते हैं। और ये था ब्रिज। तो लोग बता रहे हैं कि आज 7-8 बजे दुकान बंद हो जाती है, लेकिन ये देखो ऐसा लग रहा है कि दीमापुर में इकलौता दुकान है जो रात को 1 बजे तक खुला रहता है। 8 बजे तक। 8 बजे तक, 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक। हाँ वही मैं बोल रहा था, 1 बजे तक। वाह अच्छा भाई, सब दुकान 8 बजे बंद हो जा रहे हैं, आपको 1 बजे तक खुला रह रहा है। चलो अच्छा बात है। चलो पहले तो खाते हैं लॉलीपॉप। फ्यूचर हिंदी अच्छी बोल रही हैं आप। हाँ ऐसे ट्राई करते रहिए। ठीक है ओके बाय बाय। चलो बाय बाय बाय। तो यहाँ से ये लोग बता रहे थे आगे एक ऑक्टोपस भी यहाँ पे मिलता है फूड होता है। तो मैं बोल रहा हूँ जतिन भैया को ट्राई करने के लिए। मुझे ट्राई करने को बोल रहा है, लेकिन वो जो अफवाह फैला रखा है ना कि 6 बजे के बाद नहीं घूमना, ये कोई मतलब ही नहीं बनता। ये देखो लड़के यहाँ के हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और हिंदी एक लड़की सीख रही है, वो अच्छी हिंदी बोल रही थी। तो अच्छा बात है, चलो ऑक्टोपस तो खाना नहीं है। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि इस वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।